हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी बडोनी। आज हम बात करेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, और ये एक्टिविटीज़ 2 से 3 साल के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ तक कि हम 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे भी इन्हें कर सकते हैं। कई तरह की एक्टिविटीज़ हम अगर रोज़ाना हम अपने बच्चों का एक शेड्यूल बनाएं कि हम उनको एक एक्टिविटी कराएंगे, तो बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 4-5 तरह की एक्टिविटीज़ बताती हूँ। सबसे सिंपल एंड ईजी जो है हमारी, वो है थंब पेंटिंग। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी 2 कलर ले सकते हैं आप, चाहे फ्लावर बना सकते हैं, ट्री बना सकते हैं, और बच्चों की थंब प्रिंटिंग करा सकते हैं। और इससे बच्चों का जो हमारा फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होता है। और अगली एक्टिविटी की बात करते हैं हम, उसको उसमें हम बात करेंगे पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग की। तो कोई भी आप पेपर पे कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लावर, फ्लैग, एनीथिंग, कोई एनिमल कर सकते हैं, कोई ट्री बना सकते हैं, और उसमें आप पेपर 2 कलर के पेपर्स लेके कट करके उसे पेस्ट, छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं पेंसिल से। तो जानते हैं बच्चे पेंसिल यूज़ करते हैं, तो पेंसिल के जो वो होते हैं, डस्ट होती है, उसको हम कई कोई एनिमल बना के उसमें इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी भी बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद थर्ड एक्टिविटी की बात करते हैं हम, वेजिटेबल की बात करते हैं। कोई भी वेजिटेबल ले ली, सिंपल सी हम लेडी फिंगर लेते हैं, लेडी फिंगर को कलर में डिप करके हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। हम कोई भी बर्ड बना सकते हैं, कोई एनिमल बना सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ पैटर्न ड्राइंग। स्केच पेन हम लेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी हमने फिश बना दिया और उसमें हम लाइंस ड्रॉ कराएंगे। आपको पता ही है फ्रेंड्स कि अभी बच्चे बिल्कुल परफेक्ट लाइंस नहीं बनाएंगे, बट इस तरह से उनके हम स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस भी उनकी प्रैक्टिस हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा फिफ्थ की बात करें हम, फोर्क हम लेंगे, सबके घर में अवेलेबल है। फोर्क लिया हमने और क्या करा, हमने फोर्क को डिप करा और उस पर हमने क्या करा, कलर, उस पर कलर में डिप करके उसको हम सीधा पेपर पे ऐसे हम लगाएंगे तो उसका प्रिंट आ जाएगा, इम्प्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कॉटन बर्ड पेंटिंग। मैंने यहाँ पर 2 कॉटन बर्ड पेंटिंग कराई है। द फर्स्ट ड्राइंग अगर मैं बात करूँ दीवी की यहाँ पर, तो वो है मेरी बेटी की, वो है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम कॉटन बर्ड लेंगे और डिफरेंट कलर्स लेंगे। कॉटन बर्ड को कुछ नहीं करना है, डिप करना है और उसमें उसके इम्प्रेशंस कराने। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये सारी एक्टिविटीज़। एंड आप देख ही रहे हैं, और एक मैंने स्केलेटन भी बनाया है, इसमें आप मैच बॉक्स ले सकते हैं उसमें, और ज़रूरी नहीं है यही बना सकते हैं, आप कुछ और भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी सारी एक्टिविटीज़ कराई है, और उसमें एक और लास्ट रह गई है फ्रेंड्स, वो है हमारी पेंगुइन। तो पेंगुइन के लिए आप चाहे तो कोई भी वुलन थ्रेड होता है वो ले सकते हैं, उसको कट पेस्ट कर सकते हैं, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, या कोई भी अदर क्लोथ जो छोटे छोटे पीसेस में, तो उन सबको पेस्ट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने इतनी सारी एक्टिविटीज़ कराई हैं, और अगर ये एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चों के साथ करें, तो इस बच्चे में एक क्रिएटिव जो है, क्रिएटिव स्किल भी डेवलप हो रही है, और जो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यू नो, बच्चों को हम सीधा हमेशा से पढ़ाई लिखाई ही नहीं, ये सब हमें उनको अदर एक्टिविटीज़ भी सिखानी चाहिए, और सबसे ज़्यादा उसमें आर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बिकॉज इसमें हम बच्चों को सिर्फ ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, उसमें वो कलर सीखेगा, अदर एनिमल्स, बर्ड्स के नेम्स भी सीखेगा, बहुत सारी चीज़ें भी वो सीखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।